फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिजीत और एम कंप्यूटर एकेडमी की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे के मैप, जिसको हम लोग कार्नोग मैप भी बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं कि के मैप क्या होता है। कार्नोग मैप और के मैप इज ए ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ द फंडामेंटल प्रोडक्ट इन ए ट्रुथ टेबल। KMap is nothing but a rectangle made up of certain numbers of square, जो कि एक मैप है जिसमें कुछ स्क्वायर बॉक्सेस रहता है। Each square representing a maxterm or minterm। हर एक स्क्वायर को हम लोग maxterm में या तो minterm में कैलकुलेट करते हैं। maxterm जो कि होगा 1 और minterm जो कि होगा 0। KMap can be डन इन टू डिफरेंट वे, मतलब दो प्रोसेस है के मैप को करने का। फर्स्ट जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, जिसको हम लोग एसओपी फॉर्म भी बोलते हैं। और सेकेंड जो फॉर्म है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ सम, जिसको हम लोग POSB बोलते हैं। तो हमारे आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे SOP, जो कि है सम ऑफ प्रोडक्ट। तो इससे पहले मैं बता दूं, ये जो के मैप है, ये के मैप किस लिए यूज होता है। के मैप यूज होता है मतलब कोई भी जो लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है, उस लॉजिकल एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए, मतलब छोटा करने के लिए। एक बड़ा जो लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है उसको छोटा करके लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक के मैप का यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, इन एसओपी रिडक्शन ईच स्क्वायर ऑफ के मैप रिप्रेजेंटिंग ए मीन टर्म ऑफ द गिवन फंक्शन। कोई भी जो स्क्वायर होता है वो मीन टर्म में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। दस फॉर ए फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल देयर वुड बी ए मैप ऑफ 2^n स्क्वायर ईच रिप्रेजेंटिंग ए मीन टर्म। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 वेरिएबल के मैप में जो n होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखा है द फंक्शन ऑफ n वेरिएबल, मतलब n मतलब कितना वेरिएबल होगा के मैप में। तो n रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ वेरिएबल, और एक मतलब अगर मान लीजिए वेरिएबल जो है, वेरिएबल अगर 2 होगा तो उसमें कितना बॉक्सेस होगा। तो नंबर ऑफ सेल मतलब कितना बॉक्सेस, नंबर ऑफ सेल 2^n होता है, मतलब n का वैल्यू जो है वो हम लोग पकड़ा है 2। तो अगर n का वैल्यू 2 होता है तो 2^2 दैट मींस 2^2=4, दैट मींस ये जो 2 वेरिएबल का जो के मैप है उसमें जो बॉक्सेस होगा, जो सेल होगा वो क्या होगा, 4 सेल होगा, 4 बॉक्सेस होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 4 बॉक्सेस ऐसा कुछ, इस तरह का कुछ दिखाई देगा जो के मैप है, इस तरह का कुछ दिखाई देगा। और एक चीज, ये जो के मैप है इसका ऊपर में ऐसा एक लाइन रहता है, जो इसका जो बॉटम और टॉप में क्या होता है, जो वेरिएबल है वो वेरिएबल का नाम होता है। मान लीजिए यहाँ में कुछ एक वेरिएबल हो जाएगा, दूसरा इस जगह में कुछ अलग से कुछ और एक वेरिएबल हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि ये सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसका ट्रूथ टेबल क्या होता है। तो चलिए सीखते हैं। टू वेरिएबल के मैप, तो टू वेरिएबल के मैप जो होता है उसका जो ट्रुथ टेबल होता है कुछ इस प्रकार का होता है, जो कि एक सम होता है। सम, तो ये जो मतलब लॉजिक सर्किट है, लॉजिक सर्किट के ऊपर में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है जिसमें ट्रुथ टेबल भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपको पता नहीं है कि ट्रुथ टेबल क्या है तो मेरा पिछली वीडियो में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमें जो वेरिएबल है वो वेरिएबल ए बी 2 वेरिएबल है, और तीसरा वेरिएबल जो है वो y है, वो y को मैंने लिया है a और b का जो सम है इसको स्टोर करने के लिए। तो ट्रुथ टेबल में क्या होता है, 0+0 क्या होता है, 0 होता है, 0+1 क्या होता है, 1 होता है, 1+0 क्या होता है, 1 होता है, और 1+1 भी क्या होता है, 1 होता है। तो ये जो है ये सम का ट्रुथ टेबल है। तो इस ट्रुथ टेबल से हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग के मैप बनाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ में एक बॉक्सेस ले लिया है, जैसे कि हम लोग पहले सीखा था कि अगर 2 वेरिएबल का के मैप होगा तो उसमें 4 बॉक्सेस होगा।
तो उसमें मैंने एक लाइन भी ले लिया है, और ये जो लाइन है, लाइन का जो बॉटम है, बॉटम में मैंने लिया है ए और टॉप में मैंने लिया है बी। ये दो वेरिएबल है ए और बी, जैसे कि आप देख रहे हैं ट्रुथ टेबल में ए बी दो अलग अलग वेरिएबल है। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे हर एक बॉक्स को बॉटम से और टॉप से अलग अलग नाम देना है, बॉटम मतलब लेफ्ट से और टॉप से अलग अलग नाम देना है। जैसे कि मैंने यहाँ में दिया है ए बार ए, मतलब इस बॉक्स को मैंने दिया है लेफ्ट साइड से ए बार, और इस बॉक्स को मैंने दिया है ए, ए बार मतलब जीरो और ए मतलब वन, मतलब अगर कोई भी वेरिएबल में अगर बार होता है तो उसका मीनिंग होता है जीरो, और जो बिना बार का होता है मतलब जिसमें बार नहीं होता है उसका वैल्यू होता है वन। तो वैसे ही मैंने बी का भी लिया है, जो ए वाला जो कॉलम है इस वाला कॉलम को हम लोग बोलेंगे बी बार, और इस वाला कॉलम को हम लोग बोलेंगे बी। तो उस हिसाब से हम लोग हर एक जो बॉक्सेस है, हर एक बॉक्सेस को हम लोग अलग अलग नाम दे देंगे। जैसे कि ये जो बॉक्स है, ए वाला बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बार बी बार। तो ए बार बी बार क्या होता है, जो जीरो, ए बार भी जीरो होता है बी बार भी जीरो होता है, तो इसलिए जीरो जीरो मैंने लिया है। तो इस बॉक्स ए वाला जो बॉक्स है इसमें क्या है, ए बार है और बी है, मतलब ए बार का वैल्यू क्या होता है जीरो होता है और बी का वैल्यू वन होता है, तो जीरो और वन। जो पॉजिटिव होता है उसमें बार नहीं होता है, जो नेगेटिव होता है मतलब जीरो होता है उसमें क्या होता है बार होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ए वाला जो बॉक्स है इसमें क्या है, ए बी बार, मतलब ए मतलब पॉजिटिव वन और बी बार मतलब न्यूट्रल जो है वो क्या है जीरो है, बार जो होता है उसमें जीरो होता है। और ए वाला जो बॉक्स है, जो लास्ट बॉक्स है ए बी, मतलब इसमें किसी में भी बार नहीं है, तो दोनों का जो वैल्यू है वो वन वन होगा। तो इसका बाद में जो है, इसका बाद में जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा ट्रुथ टेबल में जिसमें जीरो जीरो है उसका वैल्यू क्या होता है जीरो होता है, तो इसमें जीरो जीरो का जो वैल्यू है वो क्या है जीरो है। उसका बाद में आप देख सकते हैं जीरो और वन का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है वन होता है, तो ये जीरो और वन का वैल्यू वन। उसका बाद में वन जीरो का वैल्यू, ये वन और जीरो का वैल्यू क्या होता है वन होता है, तो ये वन जीरो का वैल्यू वन है। और यहाँ में जो वन वन का वैल्यू है वो भी क्या होता है वन होता है, तो ये वन वन का जो वैल्यू है ये भी वन है। तो अभी हमें यहाँ में एक चीज करना है, यहाँ में क्या करना है, मैक्सिमम बॉक्सेस हम लोगों को बनाना है। ये जो बॉक्सेस है वो जीरो हो सकता है, टू हो सकता है, फोर हो सकता है, एट हो सकता है, सिक्सटीन हो सकता है, मतलब इस टाइप का बॉक्सेस हम लोग बना सकते हैं। लेकिन हम लोग जो बॉक्स बनाएंगे वो मैक्सिमम साइज का बॉक्स बनाएंगे, और खाली वन में ही हम लोग बॉक्स बनाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ में मैंने यहाँ में जो वन वन है, मतलब जैसे कि मैंने बोला था कि इधर वन बॉक्स को क्लियर करना है, या तो टू बॉक्स को क्लियर करना है, या तो फोर बॉक्स को क्लियर करना है, या तो एट बॉक्स को क्लियर करना है, ऐसा करके जाना है। तो अब देख सकते हैं मैंने यहाँ में जो मेरा यहाँ में वन है वो वन थ्री बॉक्सेस में है, तो मैंने थ्री बॉक्सेस को कवर नहीं कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ टू बॉक्सेस को कवर कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने ये टू बॉक्सेस में एक टू जो सेल है इसमें मैंने एक बॉक्स बना दिया है, दैट इज इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुपिंग। तो ये जो दो वन है इसको हम लोग ग्रुप बना लिया है, तो अभी बच जाता है ए वन। तो जिस वन को हम लोग ग्रुप एक बार बना चुका है उसका साथ में भी हम लोग और एक वन को हम लोग जोड़ के ग्रुप बना सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ में भी मैंने इस जो दो वन है इसका भी मैंने एक ग्रुप बना लिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ में मेरा दो ग्रुप है, इस दो ग्रुप से मैं क्या करूंगा एक इक्वेशन बनाऊंगा, और जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा आउटपुट जो है वो क्या होगा वाई। तो अब जैसे कि आप देख सकते हो वाई इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ में एक चीज हम लोगों को सीखना पड़ेगा कि जो ए प्लस बी आया है यहाँ में इक्वेशन ए कैसे आया है। तो चलिए जानते हैं कि ए प्लस बी यहाँ में कैसे आया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है वाई इक्वल टू ए बी बार। ए बी बार कहाँ से आया है, इस जो ये जो बॉक्सेस मैंने बनाया है, ये जो ग्रुप मैंने बनाया है, इस ग्रुप से मैंने लिया है ए बी बार। दैट मीन्स यहाँ से ए आ गया और ये कौन सा कॉलम में है बी बार, तो ए बी बार इनटू ए बी। जैसे कि आप देख सकते हैं ए वाला कहाँ में है, ए में है और बी में है, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है, उसका बाद में मैंने प्लस किया है इस ग्रुप का साथ में। और ए ग्रुप कैसे आता है, ए बार बी,
जैसे कि आप देख सकते हैं हमें ए बार बी दिया हुआ है और ए वाला जो है ये कहाँ से आता है, ए बी, तो यहाँ से मैंने ए बी लिया है। तो अभी यहाँ में क्या है, यहाँ में एक चीज है, देखिए जैसे कि बी बार और बी ए दो कैंसिल हो जाता है और ए बार और ए कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ में बच जाता है ए और यहाँ में बच जाता है बी, सॉरी यहाँ में प्लस होगा, ए प्लस बी होगा, तो ए हो गया इक्वेशन। तो अभी मुझे क्या करना है, इससे एक लॉजिक सर्किट बनाना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ में लॉजिक सर्किट मैंने और गेट का यूज किया है, जैसे कि ए प्लस बी इक्वल टू वाई, तो ए और बी को मैंने प्लस किया है, ये जो और है उससे मैंने प्लस करके वाई में डाला है, प्लस करके मैंने वाई में डाल दिया है, तो ए हो गया लॉजिक सर्किट ऑफ टू वेरिएबल के मैप।